आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आपसे बात करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी परमात्मा की दी हुई एक अद्भुत शक्ति से प्रेरणा लेकर जड़ी बूटियों में निहित पंच तत्वों का समावेश प्रकृति द्वारा जो होता है, उन जड़ी बूटियों का अर्थ निकालकर जिस प्रकार से उसको दवाओं के साथ मिलाकर देने से हमें बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त होते हैं, आजकल एलोपैथी दवाइयों का जो प्रचलन बढ़ा है और एंटीबायोटिक दवाई अपना काम नहीं कर रही, जिससे सरकार भी परेशान है और डॉक्टर भी परेशान है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि वनस्पतियों में शरीर के तमाम विकार दूर करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हम आयुर्वेद भी इस पर बात करते हैं, तो आयुर्वेद भी सारा जड़ी बूटियों से ही प्रेरित है। सदियों से मनुष्य वनस्पतियों का उपयोग चूर्ण काढ़ा लेप इत्यादि स्वरूप में रोग निवारण के लिए करता है। इसमें ये रोग निवारक शक्ति वनस्पतियां अपने जीवन काल के दरमियान वायु, जल, सूर्य प्रकाश और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत उत्पन्न करती है। हर्बल इलेक्ट्रोपैथी में वनस्पतियों द्वारा उनके जीवन काल में संग्रहित की गई ऊर्जा का एकत्रीकरण अति शुद्ध जल में कोहबेशन नामक एक विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है। कोहबेशन से मेरा तात्पर्य है कि उनका सारे तत्व किस प्रकार से लाना। इस विशिष्ट पद्धति से एकत्रित किया गया वनस्पतियों का अर्थ इतना अधिक सांद्र होता है कि इसकी एक एक बूंद जीवों के शरीर में रहे रस और रक्त को शुद्ध करके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज करने की अद्भुत क्षमता रखती है। हर्बल इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा पद्धति में औषधियों का निर्माण केवल 114 वनस्पतियों से किया जाता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इस तरह से किसी तरह के रसायन, धातु या जीव जंतुओं का प्रयोग न होने की वजह से ये बिल्कुल शुद्ध चिकित्सा पद्धति है, यानी इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें धातु या जीव यूज नहीं होते। कोहबेशन नामक विशेष पद्धति से निर्मित होने वाला औषधियों का ये अत्यधिक सांद्र होता है। यह इसलिए की पर तीव्रता से असर दिखाकर और रस और रक्त को शुद्ध करके शरीर को हमेशा के लिए रोग मुक्त करता है और ये बिजली की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। इलेक्ट्रोपैथिक दवाएं रंग, गंध और स्वाद बिना होने वाले सभी उम्र के लोग आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई अशक्ति शोक्ति नहीं है। इसके बच्चे ले या बड़े ले, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। इन दवाओं का किसी भी प्रकार से एग्रावेशन अथवा किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी ये बहुत ज़्यादा सेफ है। सेफ इसलिए भी है कि सस्ते और सरल होने के बावजूद अन्य चिकित्सा पद्धतियों में असाध्य कहे जाने वाले बहुत से रोगों का इलाज इन दवाओं से संभव है, जैसे कैंसर है। यह औषधियाँ बीमारी को कुछ समय के लिए दबाती नहीं है, बल्कि रोग होने के कारण को ख़त्म करके रोग का जड़ मूल से नाश करती है। यह औषधियाँ बीमारी को खींचती नहीं है, इसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये पूरे शरीर को रेनोवेट करती है, रिजुविनेट करती है। ये रोग की जड़ को पकड़ती है
इस चिकित्सा पद्धति के विषय में अधिक जानकारी मैं अगले एपिसोड में करूंगा। नमस्कार।